हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओएस पाठशाला। ओएस पाठशाला को आप मानक स्वागत। आज वीडियो आम डिस्कशन करवा ओएस पाठशाला प्रथम टेस्ट सीरीज रो सॉल्यूशन। यार पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल रे अच्छी। जो मैंने एजाए टेस्ट सीरीज अटेंड करना से माने टेलीग्राम चैनल रु डाउनलोड करें फ्री ऑफ कॉस्ट रे, एंड देन ए टेस्ट सीरीज टू प्रैक्टिस करूँ। तापर जाए ये वीडियो आगे देखूँ। एमती कले आपण मैं बहुत यूजफुल हे। मे बी मो वीडियो रे कम व्यू आसीपे, बट तुम मान प्रिपरेशन रेडी हो। जो मैंने ये टेस्ट सीरीज अटेंड करते वान्स आपण मानक सल्यूसन मिलला प्रथम देखूँ केतटा रंग अच्छी आतटा ठीक अच्छी। देन जो गुड़ा रंग अच्छी से टॉपिक गुड़ाक देखूँ और मत कमेंट करें मुझे टॉपिक ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आनबी इन द 5 मिनिट सीरीज रे, जहाँफल आपण मान गोटे ओवरऑल प्रिपरेशन एवं एग्जाम रेडी हो पारे आपण मैंने। सो आउ लेट नक चलत देखा प्रथम टेस्ट सीरीज रो सॉल्यूशंस। आउ हाँ, जो मैंने ये चैनल सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु। तो आपण मैंने देखिपे यहाँ हूँ ओएस पाठशाला प्रथम फास्ट टेस्ट नंबर हूँ फास्ट टेस्ट सीरीज यहाँ। तो चलत देखा ये कौन कौन क्वेश्चन गुड़ा अच्छे से आम सल्व करने को ट्राए करवा ठीक अच्छे। तो आमर प्रथम क्वेश्चन आप आज प्रथम क्वेश्चन होची एट सीरीज प्रथम क्वेश्चन होची व्हिच इंस्टीट्यूट हाज डेमोन्स्ट्रेटेड द कन्वर्सेशन ऑफ नाइट्रोजन जनरेटर इनटू ऑक्सीजन जनरेटर ठीक अच्छे। को इंस्टीट्यूशन नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर कन्वर्ट कर देखो। आ राइट आंसर होची ऑप्शन बी IIT बॉम्बे ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन हो दुई नंबर क्वेश्चन देखा व्हिच रेसिंग ड्राइवर ओन द स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 टूर्नामेंट 2021 स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स विनर किए देखो। आ राइट आंसर होची ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन ठीक अच्छे। लुइस हैमिल्टन स्पैनिश 2021 ग्रैंड प्रिक्स जीति ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कते नंबर तीन नंबर क्वेश्चन तीन नंबर क्वेश्चन कहे ह्वाट इज ब्लैक फंगस मेडिकली कॉल्ड ब्लैक फंगस मेडिकल नाम कौन देखो। आ राइट आंसर होची ऑप्शन बी माइकोमिकोसिस ठीक अच्छे माइकोमिकोसिस। तापर होची चार नंबर क्वेश्चन आंसर हो कौन चार नंबर क्वेश्चन कौन कौन ना व्हिच इज द ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर बीइंग ऑपरेटेड इन इंडिया इंडिया ऑपरेटेड होता ओनली एयरक्राफ्ट ना कौन तार ना होची ऑप्शन बी INS विक्रमादित्य ठीक अच्छे। INS विक्रमादित्य ना होची INS विक्रमादित्य। पांच नंबर क्वेश्चन कौन कौन ना व्हिच टेक्नोलॉजी कंपनी हाज क्रिएटेड 2 नैनोमीटर चिप द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल चिप देखु को टेक्नोलॉजी कंपनी 2 नैनोमीटर कौन तैयारी कर चिप तैयारी कर माइक्रोचिप ठीक अच्छे। आ राइट आंसर हो IBM ऑप्शन बी इज द राइट आंसर देखु। ए सबू जितक करेन्ट अफेयर अच्छी मुझे मे मंथ्रु कौ ना मे मंथ्र करेन्ट अफेयर मुझे पकईचे एमती कले आप टेस्ट सीरीज भी कम्प्लीट होंड सेकेंड रेज कौन टेस्ट सीरीज भी कम्प्लीट हे सेकेंड कौन कम्प्लीट हे ना आप मंथली प्रैक्टिस भी हो ठीक अच्छे। तो से ओनली मे मंथ्र 18-19 करेन्ट अफेयर से ही पकईची ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट कौन कौन ना आज छबर क्वेश्चन कौन छबर क्वेश्चन हूँ कौन ना ह्वाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2021 वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2021 थीम कौन अच्छी देखूँ। आर थीम कौन अच्छी ना छ नंबर क्वेश्चन आंसर ऑप्शन बी टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा सात नंबर क्वेश्चन करवा कौन ना सात नंबर क्वेश्चन कौन ह्वाट डज यू इन यू डिड प्रोजेक्ट स्टैंड फॉर देखते यू फॉर यूनिक ठीक अच्छे। ऑप्शन ए आधार आधार कार्ड जो ये बनई ताक यू डिड प्रोजेक्ट ठीक अच्छे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन होगी जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो हाव बीन रिलीज इन ह्विच कंट्री जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो को कंट्री में रिलीज कर देखो। राइट आंसर ऑप्शन बी USA ठीक अच्छे यहाँ चाइना नुह यहाँ USA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन नौ नंबर क्वेश्चन कर हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी इंडियन स्टेट और यूटी आज मे 2021 ठीक अच्छे। मे 2021 पूर्व किए सब अधिक समय CM अच्छा फीमेल CM देखो। राइट आंसर हो शीला दीक्षित दिल्ली CM थे शीला दीक्षित सब लॉन्गेस्ट CM सर्विंग CM ठीक अच्छे। नेक्स्ट हूँ नेक्स्ट कौन कौन
रांजीगर कोल फील्ड द फर्स्ट फील्ड वेयर द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन कोल माइनिंग इज लोकेटेड इन हुई स्टेट। रानीगंज कौटी अच्छी ना वेस्ट बेंगल अच्छी कौटी अच्छी आर ऑप्शन ही जो ऑप्शन सी वेस्ट बेंगल ऑप्शन सी वेस्ट बेंगल रे रानीगंज कोल फील्ड अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन आर्टिकल 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ आर्टिकल जो 164 अच्छी सेटा कौन से कौन अच्छी देखो 11 नंबर क्वेश्चन आंसर है जो ऑप्शन बी प्रोविजन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक अच्छे प्रोविजन ऑफ मिनिस्ट्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विषय अच्छे एथेरे। नेक्स्ट देखा 12 नंबर क्वेश्चन ह्वाट इज ध्रुव MK3 MR। देखो ध्रुव MK3 MR कौन देखो ये गोटे अच्छे एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर। ठीक अच्छे ऑप्शन बी आर राइट आंसर इज ऑप्शन बी एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो 13 नंबर क्वेश्चन व्हेन इज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व एवरी ईयर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम केवे ऑब्जर्व करा जाए देखंतु वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हो मे 3 तारीख रे ऑब्जर्व करा जाए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया प्रणति नायक इज एन इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन क्वालिफाइड द टोक्यो ओलंपिक इन हुई स्पोर्ट्स हुई कौ प्रणति नायक कौन खेले देखंतु राइट आंसर इज जिम्नास्टिक है कौन ना जिम्नास्टिक खेले से ऑप्शन को केते नंबर से ऊपर अछि जिम्नास्टिक ऑप्शन बी रे अछि तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा गोपबंधु कौन अछि ना गोपबंधु सांबादिक स्वास्थ्य बीमा योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन हुई स्टेट एटा नो डाउट एटा उड़ीसा हम ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हुई ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्ड रिपोर्ट 2021 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्ड रिपोर्ट 2021 को ऑर्गेनाइजेशन रिलीज कर छि देखंतु 16 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन जो ऑप्शन सी यूएन इको सक ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है जो आथरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया 17 नंबर क्वेश्चन कोन कोछि ना छोटा चारधाम ए फेमस हिंदू पिलग्रिमेज सर्किट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट कोठी छोटा चारधाम अछि चारधाम तो आपण जानते हैं छोटा चारधाम कौट अच्छी ना अच्छी उत्तराखंड अच्छे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा 18 नंबर क्वेश्चन होची व्हिच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट इज टू लॉन्च ए क्लीनिनेस ड्राइव कॉल्ड क्लब देखंतु क्लब को स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करछि आ राइट आंसर होची आंध्र प्रदेश है क्लब रो फुल फॉर्म को होची क्लीन आंध्र प्रदेश। ठीक अच्छे क्लीन आंध्र प्रदेश तो आंध्रप्रदेश केते नंबर ऑप्शन अच्छी ना ऑप्शन बी रे अच्छी आंध्रप्रदेश सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तापर 19 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया एंड इट्स कंटेंट इज नॉट करेक्टली मैच देखिया शेड्यूल एंड कंटेंट कोटा मैच करूनी। ठीक अच्छे देखा एट शेड्यूल अच्छी देखो एट शेड्यूल अच्छी एट शेड्यूल कौन अच्छी लैंग्वेज अच्छी यहाँ ठीक अच्छी सेकेंड शेड्यूल द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन एटा भूल अच्छी तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 20 नंबर क्वेश्चन कौन कौन ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज एटा इंग्लिश ने एटा लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखो 8th शेड्यूल रे 22टा लांगुएज अच्छी से मूर कौटा ना देखो संस्कृत उर्दू नेपाली तीन टा अच्छी इंग्लीश 8th शेड्यूल ना। ठीक अच्छे तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन कौन 21 नंबर क्वेश्चन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ कौन देखिए प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक अच्छे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कौथेर अच्छी प्रीएम्बुल अच्छी डीपीएससी अच्छी फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी 9th शेड्यूल अच्छा देखो एटा अच्छे कौन ना ऑप्शन बी डीपीएसपी अच्छी 51 आर्टिकल नंबर 51 रे एटा अच्छी। ठीक अच्छे तो एटा अच्छी कौन डीपीएसपी अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ मैच द फॉलोइंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक अच्छे देखो फास्ट हूँ ड्राफ्टिंग कमिटी हेड किए थे ड्राफ्टिंग कमिटी हेड होती ए हूँ कौन ए सॉरी
ड्राफ्टिंग कमिटर हेड अच्छा किए ना बी आर आम्बेदकर ठीक अच्छे। तापर कमिटी ऑन फंडामेंटल माइनॉरिटी राइट्स एटा ही जो किए ना ये अच्छा आमर वल्लभ भाई पटेल थे। तापर अच्छा किए कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रोचे जवाहरलाल नेहरू थे तो सी जो तीन। तापर वर्किंग कमिटी हेड किए थे मुंशी। सो आपणकर आंसर हो आपणकर आंसर कौन हो ना ऑप्शन सी 4132 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन हो 23 नंबर क्वेश्चन हुई जो द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ए बेयरिंग ऑन एजुकेशन। देखो आ राइट आंसर कौन जो ना आ राइट आंसर ही जो सबुति अच्छी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है जो राइट आंसर ऑप्शन डी होची 1 2 3 4 5 सबुठी एजुकेशन रो मेंशन करा जाय छी ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन होची द नेशनल एंथम जन गण मन वाज फर्स्ट सॉन्ग केबे नेशनल एंथम हमरो फर्स्ट सॉन्ग हेतला। देखो तो आ राइट आंसर इज ऑप्शन सी 27 डिसेंबर 1911 एटा हेतला मन रखो 27 डिसेंबर 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइज ऑफ। देखो तो राइट आंसर ऑप्शन ए 395 आर्टिकल 22 पार्ट्स एंड बार शेड्यूल ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हुईज ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हुईज ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब बाय डी आर आंबेडकर आज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा होची आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कौन अच्छी देखो राइट आंसर है जो ऑप्शन दे दो ऑप्शन होची आर्टिकल आर्टिकल 32 रे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेड अच्छी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी इज अबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस आर पनिशेबल अकॉर्डिंग टू। देखंतु अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17 अच्छी आर्टिकल 17 गोटे मूवी भी आसी देख परबे आपण। नेक्स्ट क्वेश्चन होची नीति आयोग केबे तयार हेतला नीति आयोग केबे तयार हेतला ना 5 जनवरी 2015 रे नीति आयोग तयार हेतला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा हमरे नेक्स्ट क्वेश्चन होची द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर हो पाई केते वर्ष आपन दरकार ना 25 वर्ष मिनिमम दरकार। देखंतु प्राइम मिनिस्टर पाई 25 वर्ष प्रेसिडेंट पाई 35 वर्ष राज्यसभा मेंबर पाई 30 वर्ष लोकसभा मेंबर पाई 25 वर्ष ठीक अछि एटा मन रखो 25 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया हु हैज द ऑथर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। देखंतु किए वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करि परिबे देखंतु आ राइट आंसर होची ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ठीक अछि। आपण मानकर बहुत कन्फ्यूजन हो कि आपण भाभी एटा राज्यसभा किंतु एटा राज्यसभा नुहे राज्यसभा एकां चाहिले ताको रिमूव करि परिबे नाही। राज्यसभा रे ओनली क्वेश्चन जदि एमती पचछन कि कोठी इनिशिएट करा जीवो ताहने एटा राज्यसभा हितांता किंतु से कहिछि कि किए बाहर करि परिबे माने रिमूव करिपारे किए रिमूव करिपारे प्रेसिडेंट सॉरी वाइस प्रेसिडेंट को सी एबे ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ही रिमूव करिपारे आ के करिपारे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया तेर 31 नंबर क्वेश्चन को कहू जी हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड व्हेदर द पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट एडा होची लोकसभा रो स्पीकर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा द सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप अंडर सुप्रीम कोर्ट के तयारी थिला ना रेगुलेटिंग आर्ट 1773 रे एटा सुप्रीम कोर्ट तैयार हेतला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया 33 नंबर क्वेश्चन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ। देखंतु सुप्रीम कोर्ट जज ओनली इन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी ऑप्शन सी ए ग्राउंड ही रिमूव हो पारे ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिया नेक्स्ट हूँ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन असेंबली पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन को इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेशन विधानसभा मेंबर मैंने जाकि पार्टिसिपेट कर देखो प्रेसीडेट रे पार वाइस प्रेसीडेट रे कर राज्यसभा भी करती एंड मेम्बर लेजिस्लेशन तो ऑफिशियल करेंगे तो 1 3 4 1 3 4 कौट अच्छी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हुई जो द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच को पेयरटा मैच करूनी देखो ये रेसीजुअल पावर अच्छी सॉरी रेसीजुअल रिस्ट अच्छी
ପ୍ରେସିଜୁଆର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଜୁକେସନ ଏଇଟା ହେଉଛି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ଏଜୁକେସନ ହେଉଛି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛି, 5 ମିନିଟ୍ ସିରିଜରେ ପଢ଼େଇଛି, ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିଲେସନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିଲେସନ୍କୁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଅଛି। 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଆର୍ଟିକଲ 268 ଆଣ୍ଡ 281, 268 ଆଣ୍ଡ 281 ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଭେଷ୍ଟେଡ଼ ଅନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାୱାର କାହା ଉପରେ ଭେଷ୍ଟେଡ଼ କରାଯାଉଛି, କାହା ପାଖରେ ଅଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଖରେ, ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆର ପଞ୍ଚାୟତ ହୁଅନ୍ତା ସେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ଲ ଅଫିସର, ଦେଖନ୍ତୁ ହାଏଷ୍ଟ ଲ ଅଫିସର କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ, ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆର ପଚାରିଥାନ୍ତା ହାଏଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ରହୁଛି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ହେଉଛି ଓଭରାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ଏଇଟା ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କନସିଡ଼ର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ପି ୱେଭ୍ ଆର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସ୍ମିକ୍ ୱେଭ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍, ଏସ୍ ୱେଭ୍ ଟ୍ରାଭେଲ ଓନ୍ଲି ଥ୍ରୁ ଲିକ୍ୱିଡ, ଆରାଇଭାଲ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ପି ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ ୱେଭ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଲୋକେଟ୍ ଦ ଏପିସେଣ୍ଟର, ରିଚାର୍ଜ ସ୍କେଲ ଇଜ୍ ଏ ଲଗାରିଥମିକ୍ ସ୍କେଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 1, 3, and 4, 2 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଟର୍କି ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ବିଟୁଇନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଟର୍କିଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ବ୍ଲାକ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିଟେରିଆନ୍ ସି ଭିତରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, 41 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ଲୋ ଡେନ୍ସିଟି ଏରିଆ, ଲୋ ଡେନ୍ସିଟି ଏରିଆ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ଫରେଷ୍ଟ, ଟ୍ରପିକାଲ ଫରେଷ୍ଟ, ଏ ଦୁଇଟା, ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଥିରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ଼ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି ଆମେରିକା ବଟ୍ ପଲିଟିକାଲି ଇନ୍ ୟୁରୋପ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଅଛି ୟୁରୋପ ଆମେରିକା ମହାଦେଶରେ, ବଟ୍ ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ ୟୁରୋପିଆନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲକ୍ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲିଭିଆ ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଆର୍ଚିପେଲାଗୋ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ଲୋବ୍, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆର୍ଚିପେଲାଗୋ, ଆର୍ଚିପେଲାଗୋ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପମାନଙ୍କର ସମୂହକୁ ଆର୍ଚିପେଲାଗୋ କୁହାଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେଟାଲ ୟୁଜ୍ ବାଇ ଦ ମ୍ୟାନ୍, ଆର ହେଉଛି ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କପର, ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରି ଜାଣିଥିଲେ। ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ହରପ୍ପାନ୍ ସାଇଟ୍ ହାଡ଼େଡ଼ ଡକ୍, ଡକ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଲୋଥାଲରେ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, 47, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡିଡ୍ ବୁଦ୍ଧ ସ୍ପିଚ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍ କହିବାକୁ କେଉଁଥିରେ ନା ପାଲିରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ପାଲି ଲେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଜୈନଜୀବୀ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହେଲେ ପାଲି, ଜୈନଜୀବୀ ହେଲେ ପ୍ରାକୃତି, ହଁ କିଛି ଅଛି ଲେଖା ମାନେ ପାଲିରେ ବି ଜୈନଜୀବୀ କିଛି ଅଛି, ବଟ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରକୃତିରେ ଲେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଇନାଷ୍ଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଅଫ୍ ବିଜୟନଗର କିଙ୍ଗଡମ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବାବର କେମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଓରିଜିନାଲ ଫ୍ରମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବାବର ଫ୍ରମ୍ ଫର୍ଗଣ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଫର୍ଗଣରୁ ବାବର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ମୋଗଲ ପିରିୟଡ଼ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟ୍ରେଡର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା 5 ମିନିଟ୍ ସିରିଜରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ 5 ମିନିଟ୍ ସିରିଜରେ, ଆଣ୍ଡ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ PDEF କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଆସିଥିଲେ ୟୁରୋପିଆନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ପିରେ ହେଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗାଜ, ଡିରେ ଦୁଇଟା ଅଛି ଡଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେନିସ୍, ଇରେ ଅଛି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଏଫ୍ରେ ଅଛି ଫ୍ରାନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ, ତାପରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ ଅଦର ଓପିଏସ୍ସି ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, 51 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଟୁ ବି ପବ୍ଲିଶ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମ
ନ୍ୟୁଜ୍ପେପର୍ ପବ୍ଲିଶ୍ କେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ନା ବେଙ୍ଗଲ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ହେଇଥିଲା ପବ୍ଲିକ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ରାଜା ରମନ ରୟ ଆଣ୍ଡ ଡାଭିଡ୍ ହରେ ୱେର୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ରମନ ରୟ ଆଣ୍ଡ ଡାଭିଡ୍ ହରେ କେଉଁଥିରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଇଥିଲେ ମିଶିକି, ଏ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହିନ୍ଦୁ କଲେଜରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 53। ଦ ଓରିଜିନାଲ ନେମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଓରିଜିନାଲ ନାଁ କ'ଣ? ଅବିଶଙ୍କର ଏଟା ନୁହଁ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ଏଟା ବି ନୁହଁ, ଦୟାଶଙ୍କର ଏଟା ନୁହେଁ, ଏଟା ହେଉଛି ମୂଳାଶଙ୍କର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡି ତା ନେବ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା 54 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହୋୟାର ୱାଜ୍ ଦ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ 1875। 1875ରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କେଉଁଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି, ବମ୍ବେ, ବମ୍ବେରେ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 55 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଲାହୋର ୱାଜ୍ ସାଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଶିଖ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ। କେବେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଲାହୋର ସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି 1846ରେ ସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ର। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିଛି ନା ପୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ର। ଗାନ୍ଧୀ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ଆସିଲେ? 1915ରେ ଆସିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ ସାଇଜ୍ 1931-32 ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଟିକେ ଦେଖିଥିବ, 1931-32 ହେଇଥିଲା। ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ 1914ରେ, ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ 1917ରେ। ତ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କହିଯିବ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାହୋର ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଇନ୍ସ। ଆଟୁ ହୁଇଜ୍ ଦ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ୱାଜ୍ ପାସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାହୋର ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲା, ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? 1929ରେ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଦ ସ୍ୱଦେଶ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱଦେଶ ମୁଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା? ନା ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା 1905ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆପଣ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ବାଇ କାମର ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ଼୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ଦ। କେଉଁ ଲ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବାଇ କାମର ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ଯଦି ଏଠି କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା ଏଠି ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ 1919ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ ଏଇଟା 1935ରେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଆବୋଲିସ୍ କରାଗଲା ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଗଲା ବାଇ କାମେରାଲ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଯଦି ସେଣ୍ଟରରେ ପଚାରିଥାନ୍ତା ବାଇ କାମେରାଲ ତାହେଲେ 1935 ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଓଭରଅଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ଼୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥାନ୍ତା 1919 ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ସିରିଜ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପୀର ପଞ୍ଜଲ ରେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ହିମାଳୟ ଇଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପୀର ପଞ୍ଜଲ ରେଞ୍ଜ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଲେସର ହିମାଳୟର ପାର୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦ ସିଫ୍ଟିଂ ସାଣ୍ଡୁନ୍ ସିଫ୍ଟିଂ ଡ୍ୟାନ୍ ସାଣ୍ଡୁନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଥର୍ ରିଜିଅନ୍ ଆର୍ ଲୋକାଲି ନୋନ୍ ଆସ୍, ଏଇଟାକୁ ଦ୍ରିହ କହନ୍ତି, ଦ୍ରିହନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ରାଜେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେଉଁଠି ହେଉଛି? ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଦ ଟ୍ରପି ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପାସ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍, କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖି ଟ୍ରପି ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପାସ୍ କରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଜୁରାଟ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସାମ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମିଛ, ମିଜୋରାମ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଫୋର୍ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 9 ଡିଗ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ ସେପାରେଟ୍। ଦେଖ 9 ଡିଗ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ କାହା କାହାକୁ ସେପାରେଟ୍ କରି ରଖୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ 9 ଡିଗ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଆଣ୍ଡ ମିନିକା ଭିତରେ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 64 ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ହୁଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଫର୍ମ ବର୍ଡ଼ର ୱିଥ୍ ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶ କାହା କାହା ସହିତ ବର୍ଡ଼ର ସେୟାର କରୁନାହିଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମଣିପୁର। ମୁଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଅଲରେଡ଼ି 5 ମିନିଟ୍ ସିରିଜ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, ଦେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ଲିଟ୍ରାସି ରେଟ୍। ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ଲିଟ୍ରାସି ରେଟ୍ କାହାର ଅଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍। ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଅର୍ ଓଭରଅଲ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଏଇଟା କେରଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ବି ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ସିରିଜ୍ କରୁଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଇଜ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଥ୍ରୁ ଡ୍ରାଇ ସେଲ୍ ଫର୍ମ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ଡ୍ରାଇ ସେଲ୍ ମାନେ ଆମ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା କେଉଁ ଏନର୍ଜିରୁ କେଉଁ ଏନର୍ଜି କନ୍ଭର୍ଟ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ କେମିକାଲ ଏନର୍ଜି ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏନର୍ଜି କନ୍ଭର୍ଟ ହୁଏ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग हाई टेम्परेचर फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस। ग्रेट डिस्टेंस रू टेम्परेचर मापिया पाई को इंस्ट्रूमेंट में यूज करा जाए। देखंतु एरो राइट आंसर इज वो पाइरोमीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑर्डिनरी एंड मैक्सिमम टॉलरेंट रेडियो साउंड बाय ह्यूमन बीइंग एटा कबो केते हो ना, ऑप्शन बी 60 to 80 हबो डीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिवाइस यूज टू मेजर करंट मेजर करिया पई कोन यूज करे ना, एमीटर यूज करा जाए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची कोन, नेक्स्ट क्वेश्चन परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, परमानेंट हार्डनेस वाटर कहार प्रेजेंस रे होए, राइट आंसर होची सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एटा मन रख इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा। 72 होची एक्सीडेंट कॉज बाय द पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय, एक्सीडेंट कहा द्वारा हुए, देखंतु एक्सीडेंट कहा द्वारा हुए, एटा होची आ राइट आंसर कोन हिजबो ना, नाइट्रस ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉज मिनिमम एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, मान मतलब कोटा सबटू कम पॉल्यूशन कराए एनवायरनमेंट को, हाइड्रोजन कराए सबटू कम पॉल्यूशन। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, व्हाट इज लाफिंग गैस, लाफिंग गैस कौन, लाफिंग गैस होजी नाइट्रस ऑक्साइड, एटा एटा तुम एनवायरनमेंट रे स्प्रेड होगा आपको हस लगे से ना होगी लाफिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा डेफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग ऑफ बोन्स, एटा फोन एटा फॉर, देखो राइट आंसर कैल्शियम फास्फोरस नाइट्रस एंड कार्बन दे, राइट आंसर जो 1 and 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, लुप्तुप साउंड कौटू है ना, हार्ट रे ऑप्शन सी समस्त जानते किसी समझे दरकार भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, आर हूँ स्टेप्स, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीथ व्हिच डेवलप टू टाइम्स इन देयर लाइफ, आमर ह्यूमन रीथ कतटा टू टाइम्स डेवलप करे ना, 20टा। ठीक अच्छे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन, ओपियम इज ए प्लांट प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम, ओपियमटा कौटू कौन करा जाए बाहर करा जाए, देखंतु आ राइट आंसर होची ऑप्शन डी ड्राइड लैटेक्स, लैटेक्स उटा बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन द लाभा ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड टैडपोल, कौन देखो टैडपोल। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन, 81 गोल्डन राइस रिच इन, गोल्डन राइस हैज द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ, कौन अच्छी गोल्डन राइस विटामिन ए था। ठीक अच्छे, गोल्डन राइस खाइले आपको विटामिन ए मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सालिवा कंटेंट्स, सालिवा कंटेंट कौन कर, सालिवा एटा मन रखते बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा हो, कौन टाइलिन और अलग ना अच्छी कौन आपण मैंने जानते अमिलास, अमिलास टाइलिन और अमिलास कहते। ठीक अच्छे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज, वायरल डिजीज मैं कहते कौटा वायरल डिजीज कौटा, ऑप्शन ए स्मॉल पॉक्स इज ए वायरल डिजीज, वायरल डिजीज बैक्टेरियल डिजीज फंगल डिजीज सब कर सारी मुझे ऑलरेडी से वीडियो गुटा देखी दिं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, रेवेन्यू रिसीव्ड मैं कहते कौटा नुह, देखो राइट आंसर होगी दिस इन्वेस्टमेंट रिसीप्ट, इटाक रेवेन्यू इन्वेस्ट कह जाए ना। 84 सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एम भर कौटा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, देखो क्रिसिल केआर क्रा ए सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ एनवायरनमेंट डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आर, देखंतु राइट आंसर है जो 86 ए प्योरली टेम्पररी नेचर। ठीक अच्छे, नेक्स्ट नंबर द आधार कार्ड, आधार कार्ड कंटेंट्स, देखंतु आधार कार्ड केतटा नंबर थाए 12टा,
12 डिजिट नंबर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेपो रेट इज द रेट एट व्हिच रेपो रेट कौन रेपो रेट हूँ जेटा RBI पैसा देखा बैंक मान को और बैंक मैंने लोन नियंतु RBI पाखु ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टेम्पररी टैक्स लेवी टू ऑब्टेन एडिशनल रेवेन्यू इज कॉल्ड टेम्पररी टैक्स को कौन कहते ना सरचार्ज कहते ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिल्ट एज मार्केट डील्स इन तार आंसर होगी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बुलियन ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA ए प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन केम इन टू बीइंग इन केबे आइथिला IORA 1997 नहींथिला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल कंज्यूमर राइट डे एटा होची डिसेंबर 24 कोड होला तळे अछि डिसेंबर 24 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर टू बैलेंस ऑफ का कोन जाय 93 देखंतु बैलेंस है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ठीक अछि सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लूकोज इज ए सोर्स ऑफ कोन को जना ग्लूकोज इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन बी ए इज इक्वल टू ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिबा 95 द टर्म इकोलॉजी वाज फुली डिफाइंड बाय ये इकोलॉजी को डिफाइन करथिला ये होची हेकेल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन होची 96 नंबर क्वेश्चन कोन कोजी ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ग्रीन हाउस गैस माने उधर कोटा ग्रीन हाउस गैस नुए अमन भितर कोटा ग्रीन हाउस गैस नुए एटा होची ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड ठीक अछि सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। 97 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम भितर कोटा फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम नुए देखंतु एटा होची स्ट्रैटिफिकेशन स्ट्रैटिफिकेशन इज नॉट ए फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली इन द फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दा कौन कहते ना इकोलॉजिकल नीचे को जाए ठीक अच्छे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विनाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द सिनकोना प्लांट क्विनाइन गोटे कौन ना बार्क ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा जी आज लास्ट क्वेश्चन अरे वाह ये जल्दी सरगला ऑप्शन 100 सॉरी क्वेश्चन नंबर 100 एनवायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय एनवायरमेंटल पोल्यूशन केमिति कंट्रोल करा जीव ना चेकिंग एटॉमिक ब्लास्ट मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल स्वेज ट्रीटमेंट ऑल ऑफ द अबव सब एनवायरमेंटल पोल्यूशन ए सब को चेक करले एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल हबो सो एठी हमर सरी जाय छी द एंड हे जाय छी द एंड ठीक अच्छे ये आम टेस्ट सीरीज नंबर वन सरी जाए जो मैंने टेस्ट सीरीज एपर्त देना दे दिंतु एंड आज ये थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो थैंक यू।